क्या आपको पता है कि दुबई कोई देश नहीं बल्कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। दुबई का अपना खुद अलग कानून है जो बाकी अमीरातों से हटकर है। वहीं आप बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते ही होंगे। इसकी 800 मीटर की ऊंचाई की वजह से इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। वहीं अब दुबई में बुर्ज खलीफा को टक्कर देने वाला दूसरा टावर भी खड़ा हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब दुबई में बनाया जा रहा है द टावर एट दुबई किर्क हार्बर। ये टावर बुर्ज खलीफा के 800 मीटर के मुकाबले 828 मीटर का होगा। इस टावर को 2016 में बनाना शुरू कर दिया गया था, जिसे 2021 में बनकर तैयार होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे रोक दिया गया था, जिसे अब 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे बनाने में कुल $1 बिलियन की लागत आएगी। वहीं दुबई एकमात्र ऐसा शहर है जहां क्राइम ना के बराबर है, इसलिए इस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। इस शहर की ग्रोथ रेट दुनिया के किसी भी शहर या देश से कई गुना अधिक है। हालांकि ये बात अलग है कि 1960 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था। 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और दुबई का विकास होना शुरू हो गया। दुबई महज 50 सालों में ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत शहर बनकर उभरा। आज दुबई विश्व आर्थिक का प्राइम हब है। इमारतों के शहर दुबई में इस समय हजारों की संख्या में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं। वहीं दुबई में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके बगैर शराब रखना गैर कानूनी है। दुबई में महिलाओं को बिकनी पहनना अलाउ है। दुबई शहर को बसाने वाले शेख बिल राशिद से जब पूछा गया कि आप अपने शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तब उन्होंने जवाब दिया कि एक जमाना था जब हम लोग ऊंट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज महंगी महंगी कारों में घूमना पसंद करते हैं। दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। दुबई के मूल निवासी, जिन्हें अमराती कहा जाता है, वो दुबई के कुल जनसंख्या का मात्र 17% है। बाकी के 83% लोग दूसरे देशों से हैं, जो ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन देशों के हैं। वहीं दुबई के लोगों की शौक की बात करें तो इनके शौक भी जरा हटके हैं। इन्हें कुत्ता बिल्ली नहीं बल्कि शेर पालने का शौक है, वो भी घर में। D3 न्यूज़।